भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के गानों को आप दुनिया के हर कोने में बजते हुए सुन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भोजपुरी का दर्शक वर्ग है, जिसकी संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में भोजपुरी के गाने रिलीज के साथ वायरल होते हैं। वहीं अगर गाना पवन सिंह का हो तो इसको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पवन सिंह के कई गाने ऐसे हैं जिसने यूट्यूब पर व्यूज का रिकॉर्ड बना रखा है। इन गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और इसे हिंदी गानों से भी ज्यादा बार देखा गया है। ऐसे में पवन सिंह के नए गानों के रिलीज का इंतजार भोजपुरी के दर्शक बड़ी बेसब्री से करते रहते हैं। बता दें कि पवन सिंह और शिवानी सिंह का एक गाना धनी हो सब धन ने रिलीज के साथ ही हंगामा मचा दिया है। आपको बता दें कि पवन सिंह के साथ इस गाने में नवोदित गायिका शिवानी सिंह की आवाज को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है। इस गाने के वीडियो को बार बार दर्शकों के द्वारा देखा जा रहा है। इस वीडियो को दर्शकों का प्यार मिलने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि पवन सिंह के साथ क्वीन शालिनी भी इस गाने में नजर आ रही है। दोनों की केमिस्ट्री इस वीडियो में बेहतरीन है। पवन सिंह के साथ क्वीन शालिनी का अंदाज हंगामेदार दिख रहा है। दोनों के बीच रोमांस भी सुपर से ऊपर वाला है। पवन सिंह और शिवानी सिंह का गाना धनी हो सब धन के वीडियो ने रिलीज के साथ ही हंगामा मचा रखा है। इस वीडियो को आशी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जहां इस गाने के वीडियो को रिलीज के बाद से अब तक 2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। वहीं इस वीडियो को अभी तक 1,70,000 से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं। पवन सिंह और शालिनी के इस हंगामेदार गाने धनी हो सब धनी के बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं और इसका संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है। इस वीडियो के डायरेक्टर विभांशु तिवारी हैं, जबकि इसको प्रोड्यूस अजय सिन्हा ने किया है। इस वीडियो को असलम खान ने कोरियोग्राफ किया है। वीडियो को आर निंजा ने एडिट किया है। इस वीडियो को अब तक बहुत ज़्यादा प्यार मिल चुका है और इस गाने को और ज़्यादा प्यार मिलने ही वाला है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।